कोरोना महामारी कारण मार्च 2020 तो ही कैनेडा वालों गैर जरूरी यात्रा के उत्ते रोक लगा दी गई सी, पर हुण कैनेडा वालों इस रोक नूं हटाउण लई काम किया जा रहा। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस संबंधी ऐलान किया है, जिस तहत कैनेडा आउण वालियां लई कोरोना वैक्सीन के दोवें डोज लगे होने जरूरी हैं, ते इह डोज वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो मानता प्राप्त होने चाहिए ने। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यात्रा संबंधी बोलदिया कहा कि ओटवा वालों अंतरराष्ट्रीय सैलानियों का स्वागत करने तैयारियां की जा रही ने। इस दे नाल ही ट्रूडो ने कहा कि हुण ओह कोरोना की चौथी लहर तो बचा लई काम कर रहे हैं। एक साल तो ज़्यादा का समा हो गया जदों तो कैनेडा वालों अंतरराष्ट्रीय उड़ाना के उपर रोक लगाई गई है। भारत और इंग्लैंड दे विच जो कोरोना का डेल्टा वेरियंट पाया गया सी, उसके मद्देनज़र आने वालों लई कैनेडा वालों रोक लगा दी गई सी। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक इवेंट दे विच कहा कि वैक्सीनेशन दे चलदिया हुण आने वाले यात्रियों लई ढिल दी जा सकती है। इस दे नाल ही ट्रूडो ने कहा कि आने वाले यात्रियों लई जरूरी होगा कि उन्होंने वैक्सीन के दोवें डोज लगे होने चाहिए ने, क्योंकि कोरोना के कारण उन्हां वल्लों हुण कोई भी रिस्क नहीं लिया जा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हां वल्लों लगातार कोशिशां कीतियां जा रहियां ने कि आने वाले सैलानियों का कैनेडा दे विच स्वागत किया जाए। फैडरल सरकार वल्लों इस संबंधी नित प्रोग्राम उलीके जाते हैं, पर अजे तक कोई भी स्पष्ट ऐलान नहीं किया गया, पर कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही सरकार इस संबंधी कोई वड्डा फैसला ले सकती है ते आने वाले यात्रियों नूं ढिल मिल सकती है। जिक्रयोग है कि कैनेडा दे विच हुण जिन्हां लोकां ने डबल डोज लगवा ली है उन्हां नूं हुण ढिल दित्ती गई है। इसे दे मद्देनज़र हुण कयास लगाए जा रहे हैं कि कैनेडा वल्लों अंतरराष्ट्रीय उड़ाणा ते जो रोक लगाई गई सी उस नूं भी हटा लिया जाएगा, ते जल्द ही फैडरल सरकार इस संबंधी कोई वड्डा फैसला लै सकती है।